जल गई। लो जी हनीफ साहब, आज भी आपके नसीब में होटल का एक गाना लिखा है। चलें। ये सो कौन आ गया के? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अनी भाई। वालेकुम सलाम, मेरा भाई आया। अस्सलाम वालेकुम तायबा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम वालेकुम, आज रुबीना भी आई है। आओ अंदर चलो। आ जाओ तुम भी आओ। अच्छा वो तुम लोग आ गए। भाईजान, कुछ जलने की बू आ रही है। हाँ, वो वॉशिंग मशीन लगाई थी तो साथ में पतीली भी चढ़ा दी। अब खाने पकाने के और वॉशिंग मशीन के दरमियान में गड़बड़ हो गई, हंडिया जल गई। तो भाईजान, आप खाना खुद बना रहे हैं, बाहर से क्यों नहीं लेकर आ जाते? असल में समरा के इंतकाल के बाद घर में अकेला रहता हूँ, सारे काम खुद ही करता हूँ, बाजार का खाना मुझसे नहीं खाया जाता। हाँ देख रही हूँ, कपड़े भी धोए आपने खुद, घर भी आपने इतना चमका के साफ सुथरा रखा हुआ है, और एक मेरे मियाँ और बेटे हैं जो जहाँ चीज रख दें वहां से उठाते नहीं है, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। इसके बचपन से यही आदत थी। चले मैं आप लोग मिले चाय बना। नहीं नहीं भाईजान, आप बैठे ना, चाय मैं बना के लेकर आती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, सारे काम मैं खुद कर लूंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठे। क्यों तकल्लुफ कर रही है, मैं बना लूंगा चाय। तकल्लुफ की क्या बात है, क्या ये मेरा घर नहीं है? हाँ वो तो है। तो बस आप लोग आराम से बैठे, मैं फौरन चाय बना के लेकर आती। और बताओ क्या चल रहा है, साहबजादे की पढ़ाई कैसी जा रही है? जज़ाकअल्लाह। आज कई सालों के बाद औरत के हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहा हूँ, भाई मजा आ गया। रुबीना, खुद पका के खाता था तो जायके का पता ही नहीं चलता था। शुक्रिया भैया। हनीफ भाई,
समरा भाभी की वफात के बाद आपसे कितना कहा था दूसरी शादी के लिए, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। सच पूछो तो मैं समरा से बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता। वक्त का क्या है, तो गुजर ही जाता है। भैया जान, इतनी सच्ची मोहब्बत आजकल के जमाने में कौन करता है? बेटे, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। भैया जान, आप तो वाकई लैला मजनू और हीर रांझा के कबीले से लगते हैं। बदमाश ताया से मजाक करता है। वैसे सच पूछें तो आप लोगों के आने के बाद मेरे घर में जिंदगी लौट आई है, वरना तो सिर्फ मैं था और मेरी तन्हाई। भैया फिक्र मत करें, अब हम आपको तन्हा नहीं रहने देंगे। इंशाल्लाह। आज सालन वाकई तुमने बहुत मजेदार बनाया। आज का क्या मतलब है, रोज ही बनाती हो क्या? अरे रोज से ज्यादा आज मजेदार बनाया। ताया जी, आपका नाश्ता। क्या तुमने बनाया है? नहीं, अम्मा ने बनाया है। भैया आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं मैंने। अरे मैं खुद कर रही था, क्यों जहमत की? क्यों मेरी आदतें खराब कर रहे हो? तुम लोगों के जाने के बाद मेरा किसी काम करने को दिल नहीं चाहेगा। भैया जान आप फिक्र ना करें, हम इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। वो दरअसल इनके अब्बा को हैदराबाद में कोई नौकरी नहीं मिली ना, कराची तो इतना बड़ा शहर है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। जैसे ही उनको कोई नौकरी मिल जाएगी ना, हम किराए का घर लेके वहां चले जाएंगे। किराए पे क्यों जाओगे, ये घर भी तुम लोगों का है, रहो आराम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाश्ता करें, तुम तो हटो वहां से। आए भाई आप नाश्ता करें। रखो अंदर। जी जी, नाश्ता करें आप। जी शुक्रिया। बड़े दिन बाद घर जैसा सुकून मिला है। हाँ अब्बा, किराए के घरों में रह रहे के ना दम घुटने लग गया था, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने ही घर हो। अपना घर, इस खुश फैमिली में मत रहे ना। तुम्हारी फूफी हमीदा को पता चला ना तो हमें इस घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। बस उनको क्या मसला है हमसे? उन्हें तो भाई सबसे मसले हैं, लेकिन हनीफ भाई उनके सबसे ज्यादा सगे हैं, उन पे ही जान छिड़कती है बस। हमसे क्या बेर है? तुम्हारी अम्मा की चालाकी है उनका बैर। ये बात तो है अब्बा। अम्मा वैसे पप्पू आपको चालाक क्यों समझती हैं? बस कर, बकवास कर रहा है, माँ पे हंस रहा है। उसे तो मैं हमेशा से ही नहीं पसंद थी, ऊपर से मैं शकील को लेके अपने मैके हैदराबाद चली गई थी, बस वही बात हजम ना हुई इससे। अब आई बात समझ में? समझ गया। अच्छा ये बताओ शकील, क्या बाकी क्या करना है? अरे क्या करना है, रहो आराम से, खाओ पियो मौज करो। अनीब भाई ने कौन सा हमें घर से निकालना है? लेकिन ये घर है तो उन्हीं का ना। मैं सोच रही हूँ काश कुछ ऐसा हो जाए कि घर पक्का पक्का ना हमारा हो जाए। हैं? वो कैसे? नहीं नहीं नहीं
अनीप भाई कभी नहीं मानेंगे। अब्बा अम्मा ने बिल्कुल ठीक सोचा है, सोचे तो सही, ये घर हमारा हो जाएगा तो कितना मजा आएगा। तुम्हारी फुप्पी अमीजा को पता चल गया ना तो छोड़ो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। सोचने की बात ये है कि हनीफ भाई के ना आगे कोई है ना पीछे, लेकिन तुम्हारी आपा भी ना बड़ी चलाक और तेज तरार है। हालांकि खुद का बेटा बाहर है, अच्छा खासा कमाता है, दौलत की कमी नहीं है उनके पास। हनीफ भाई की फिक्र में सिर्फ इसलिए रहती है ताकि हनीफ भाई ये घर उसके नाम कर दें। मुझे क्या ये बातें समझ में नहीं आती? सब समझती हूँ, तुम ही हो बुद्धू जिसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं बता रही हूँ शकील, अगर ये घर हाथ से निकल गया ना तो सारी जिंदगी हम किराए के घरों में ही सड़ते रहेंगे। अब्बा अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जरा सोचें इस बात पे। बस करो बेटा, बस बस, थक जाओगे, बहुत हो गया। अरे ताया जान, अपनी खिदमत का मौका तो दें, वरना मुझे आपकी दुआएं कैसे मिलेंगी। तुम्हारी मोहब्बत और खिदमत देखकर तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुम मेरे सगे बेटे हो। लें जी, ये क्या बात कर दी आपने। अरे मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, आप ही का बेटा हूँ सगे वाला। हाँ ये तो है। दरवाजा खुला हुआ, हनीफ भाई तो इतनी गफलत नहीं बरतते। अरे आपा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सलाम अलैकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ। तुम लोग कब आए हो यहाँ? लगता है पक्का पक्का डेरा जमा रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर। क्या पापा, तुम भी ना हमेशा शक करती हो हम पे। तो तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं। क्या मतलब हमारी हरकतें ऐसी हैं? क्या किया है हमने? हाँ बताओ जरा, कैसी हैं हमारी हरकतें? हद दर्जे के खुदगर्ज और लालची हो तुम सब के सब। बगैर मतलब के सलाम दुआ तक तो लेते नहीं हो किसी से। इतने सालों तक हनीफ भाई की मोहब्बत याद नहीं आई तुम लोगों को, तो अचानक ये बैठे बिठाए इनकी मोहब्बत ने कैसे मसरूफ कर दिया तुम लोगों को यहाँ पर, पता तो चले ना मुझे जरा। किस मकसद से आए हो यहाँ पर? बस बस आपा, अगर तुम्हें हमारे यहाँ रहने पे एतराज है ना तो हम चले जाते। जा बैग लेके आ। और मेरी चादर भी लेकर आ, मैंने नहीं रहना यहाँ पे भैया बस। अरे रुबीना नाराज मत हो, बैठ जाओ, बैठो। अमिता यूं ही कह रही है, इसका मकसद ये नहीं है। मैं यूं ही नहीं कह रही भाई साहब, जाते हैं तो जाने दें, ये खिदमतें बेमकसद नहीं हो रही हैं, सब जानती हूँ मैं। भैया आप सुन रहे हैं ना? अमीजा इतना गुस्सा मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सब प्यार मोहब्बत से रहो और कोई किसी की नियत पे शक न करे। अच्छा ये जाएगा, जाओ तुम चाय बनाओ सबके लिए, जाओ। और तबीयत कैसी है?
मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, लेकिन आपको इन लोगों के बदले हुए रवैये नजर नहीं आ रहे? अपने ही तो है ना। ये मुझे सही तरह से उड़ा दो। भाई आपको तो बहुत तेज बुखार है। बस वो गलती हो गई, ठंडे पानी से नहा लिया हूं, इसलिए बुखार हो गया। रुबीना, रुबीना इधर आओ, देखो अनीप भाई को कितना तेज बुखार है। हाँ इनको तो बहुत तेज बुखार है, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। फैज उठाए ने, अस्पताल लेके चलते हैं। आए ताया बाजे, उठे उठे उठे। नहीं नहीं नहीं, नहीं उठ सकूंगा, चक्कर आ गए मुझे। वैसे फिर डॉक्टर को यहीं लिया। ठीक है अब चल दीजा। मीना ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमने सारा गर्म पानी कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लिया। अनीप भाई नहाने गए तो पानी खत्म हो गया था। आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। अब जाओ गरम दूध लेके आओ फटाफट। लेकर आ रही हूँ, लेकिन तुम तो सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो। तो अभी भी बहुत तेज है अनीप भाई को, मैं देख के आ रहा हूँ, अभी भी सो रहे हैं, बिल्कुल बेहोशी जैसी कैफियत है। अगर हमेशा के लिए सो गए तो क्या ऑल फॉल पक रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, अगर ये मर गए ना तो तुम्हारी अप्पा ने हमें घर से बाहर निकाल देना है। देखे नहीं थे तुमने उनके तेवर? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है अब्बा, हम कहाँ जाएंगे फिर? देख सके मुझसे ना ये किराए के घरों में ना धक्के नहीं खाए जाते, अब तो हमें कोई किराए पे घर भी नहीं देगा। तुम दोनों से तो कुछ होता नहीं है कि वक्त पे किराया ही दे दो। माँ बाप ना अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप लोगों ने कुछ किया मेरे लिए? अबे तू इंटर तो कर नहीं सका, पढ़ाने की कोशिश नहीं की थी तुझे? हाँ तो नहीं कर सका, आपने दो चार पैसे जोड़े रखे होते तो आज मैं भी कोई कारोबार कर रहा होता। हाथ पांव सलामत है ना, काम कर। छोड़ तू अपने बाप को, तेरे अब्बा से ना कुछ नहीं होगा। बस अब जो ये मौका हाथ लगा है ना, इसे मत जाया कीजिए। कैसा मौका? इस घर को अपना करने का मौका, इस घर को जन्नत बनाने का मौका। सोच जब हम इस घर के मालिक बन जाएंगे तो कितना मजा आएगा। मगर कैसे, अब्बा मान जाएंगे? तो उनकी फिक्र मत कर, मैं राजी कर लूंगी उन्हें। सारी जिंदगी मेरी बात मानते आए, अब भी मान लेंगे। तू इतना मैं बताती हूँ तुझे, बैठ। तो अभी भी बहुत तेज है, लगता है जैसे नीम बेहोश है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती,
तो सब लेकर आया ना? सब ते आ रहे अम्मा। रुबीना, हनीफ भाई हमें घर से नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो। तुम चुप करो, चल। से साफ कर देना, किसी को शक ना। क्या हो गया है? क्यों मुंह लटकाया हुआ है? क्या नहीं भाई, तबीयत मुस्तकिल बिगड़ रही है। हाँ तो आप मौत को तो नहीं टाल सकते, कुछ तो रहम करो रुबीना। तो क्या करूं मैं? अस्पताल लेके चलते उन्हें। तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? क्या मतलब? अरे अस्पताल लेके जाओगे तो वो तो ठीक हो जाएंगे, फिर उनको पता चलेगा घर की मिल्कियत तब्दील हो गई है तो क्या होगा? क्या? जीते जी मर जाएंगे, इसलिए बेहतर है बगैर जाने मर जाने दो। अभी हालत खराब है ना, मजीद खराब हो लेने दो। पानी, पानी, पानी। पानी, पानी। हनीफ भाई, हाय अल्लाह, क्या हो गया इनको? मेरा ख्वाब सच साबित हुआ ना? क्या हो गया भाई को? कैसा ख्वाब पापा? मैंने ख्वाब में देखा था कि भाई साहब बीमार हैं, इसी तरह से सख्त परेशान हैं। हुआ क्या इन्हें? अरे ये तो तक तेज बुखार है शकील, कैसे बुखार हो गया? डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, मुझे इतला क्यों नहीं की शकील? आपा डॉक्टर आया था, दवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी अफाका नहीं हुआ। तो अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? अच्छा मुझे दवाइयां दिखाओ, कौन सी दवाई दे रहे हो जल्दी दिखाओ मुझे।
दवाएं तो वो शायद रुबीना ने कहीं रख दी है। झूठ बोल रहे हो, कोई दवाई नहीं मिल रही भाई साहब को। अगर दवाई दे रहे होते तो इनका यह हाल होता? बड़े अफसोस की बात है शकी, ये हमारे वही भाई साहब हैं जिन्होंने अब्बा के मरने के बाद मुझे और तुम्हें पाल पोस कर जवान किया, हमारी शादियां कराई, हमारी हर जरूरत को पूरा किया। तुम्हें इनका जरा एहसास नहीं? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बीवी तो है ही जालिम और तुम भी बिल्कुल वैसे हो गए हो। अब एक तो पता नहीं हमीदा भाभी ना हमेशा गलत मौके पे क्यों आ जाती है, खुदा जाने अब क्या फसाद बर्पा करेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शकील। जाओ अब जाके एम्बुलेंस बुलवाओ, लेके चले इन्हें अस्पताल। भाई साहब अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, मैं आ गई हूं ना, ठीक हो जाएंगे। फैज फैज उठ जल्दी। क्या हुआ अम्मा, सोने दो। उठ, तेरी पप्पी आई हुई है, वो हनीफ भाई को डॉक्टर के पास लेके जा रही है। तो मैं क्या करूं? तो तू जाना उनके साथ, वरना हमीदा अप्पा को शक पड़ जाएगा। अम्मा शक पड़ता है तो पढ़ने दो, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मुझे प्लीज सोने दो यार। सो जा, मर जा कमबख्त हडराम। अब क्या होगा? को बहुत सीवियर किस्म का लंग इन्फेक्शन है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? शदीद निमोनिया भी है, और ये तो काफी दिन से मुझे बीमार लग रहे हैं। इतनी जल्दी ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है, और ये कब से बीमार है? तकरीबन एक हफ्ते से। आप सब घर वाले क्या कर रहे थे, इनका प्रॉपर चेकअप क्यों नहीं करवाया आप? डॉक्टर साहब अब क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इनके कुछ और मैं टेस्ट कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। इतनी भूख लग रही है मुझे, घर में ना दालें हैं ना सब्जी है ना कुछ है, पकाऊं तो क्या पकाऊं, जान निकल रही है। अम्मा, अम्मा, आ गया तू? हाँ, ना तुझे एहसास है अपनी माँ का, ना तेरे बाप को मेरा एहसास है। सुबह से ना तेरा बाप भी गायब है, और तू भी पता नहीं कहाँ आवारा गर्दी कर रहा है। घर में पकाने को कुछ भी नहीं है, भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ मैं। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो भी बाहर से कुछ ले आता हूँ खाने के लिए। अच्छा, बाहर से लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास? अरे पैसों की टेंशन नहीं लेना, अब डॉलर भी आ सकते हैं, दिरहम भी आ सकते हैं, और रियाल भी आ सकते हैं। क्या पागल हो गया, ऊटपटांग बातें कर रहा है? अम्मा मेरा दोस्त ना मुझे बाहर भेजने का बंदोबस्त कर रहा है,
बाहर बाहर का देखो, या तो दुबई हो सकता है, या अमेरिका हो सकता है, या सऊदीया हो सकता है, कहीं भी भिजवा सकता है। अच्छा, तो वहां जाने के पैसे कहां से आएंगे? वो भी बंदोबस्त वो खुद ही कर रहा है। ये इतना सखी दोस्त अचानक कहां से पैदा हो गया? आज से पहले तो तूने नहीं बताया मुझे। हाँ, पहले तो जितने तेरे दोस्त थे वो सारे लफंगे और फ्राडिये। मेरा ये दोस्त ना बहुत अच्छा है, और उसने मुझे कहा है कि बाहर जाके कमा, आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे वापस कर दें, उधार ही तो दे रहा है। उधार? अम्मा सोचो मत ज्यादा, बस अपने बेटे को बाहर मुल्क भिजवाने की तैयारी करो अब। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या आप नहीं चाहती हो कि आपका बेटा हवाओं में उड़ता फिरे? खैर, मैं आपके लिए कुछ अभी खाने के लिए लेके आता हूँ। हाँ, लेकर आ जा। माशाल्लाह, आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है। मैं भी बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। गुड, इसीलिए आज हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें। बट जब घर जाएं तो प्लीज अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरे भाई सब ठीक हो गए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद ख्याल रखूंगी इनका। गुड लक हनीफ साहब। शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हो गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। आराम से, आराम से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? पानी ला के दूं? नहीं, ठीक हूँ बस, रहने दो पानी। अरे अनिल भाई, आपकी अस्पताल से छुट्टी हो गई? हम तो आपको देखने आने वाले थे। जी, हो गई छुट्टी। अब तुम लोग इस घर से छुट्टी करो, अपना सामान उठाओ और चले जाओ यहाँ से। बहुत ख्याल रख लिया तुम लोगों ने भाई साहब का, अब मैं हनीफ भाई का ख्याल खुद रख लूंगी। ऐसे क्यों कह रही हो अमीदा? ये भाई है हमारा। कैसे ना कहूं भाई साहब, आपको इस हालत तक पहुंचाने वाले यही लोग तो हैं। चलो निकलो यहां से, जाते हो या मैं खुद तुम लोगों का सामान उठा के फेंको इस घर से बाहर। बस आपा, बस बहुत हो गई। सारी जिंदगी सुनाती आई हैं आप हमें, अब मजीद नहीं सुनेंगे हम। अब तो आप मेरी सुन लें, ये घर ना अब हमारा है और मैं देखती हूँ कि कौन हमें निकालता है इस घर से। क्या क्या कहा? क्या कह रही है ये भाई साहब? तुम्हारा घर है? हाँ, हमारा है। भैया ने खुद मेरे फैज के नाम लिख दिया ये घर। पूछो, ये किसने किया? मुझे तो पता ही नहीं, कब किया मैंने ये? अच्छा, अभी तसल्ली करवा देती हूँ। फैज, फैज, वो घर की मलकियत के कागजात लेकर आ। दिखाई दे, ले भाई, तसल्ली कर लें आप, ये ले। भाई साहब, मुझे दिखाओ। ये अंगूठे के निशान और ये दस्तखत मैंने कब किए? ये मेरे नहीं है,
किसने किया ये सब? इतना बड़ा धोखा तुम दोनों ने मिलकर अपने भाई को लूट लिया, और शकील तुम्हें शर्म भी नहीं आई? अब मैं इसी तरह सारी जिंदगी तुम मिनमिनाते रहे हो इस मक्कार औरत के सामने? तुम दोनों ने ना हक अपने भाई के साथ धोखा किया, उसका माल खाया, और शकील तुम्हें गैरत भी नहीं आई। बड़े ही अफसोस की बात है। ठीक, मैं अदालत जाऊंगी, तुम दोनों को झूठा साबित करूंगी और खुद तुम लोगों को इस घर से बाहर निकालूंगी। याद रखना ये बात। हाँ हाँ, कर ले अपना ये शौक पूरा, ले बेटा संभाल के रखना इसको, कर ले। अमीदा, ऐसे लोगों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने दुनियावी माल की लालच में जो खसारा कमाया है उसका इन्हें अंदाजा नहीं है। नहीं तो वक्त बताएगा। चलो, तुम लोग एक बात याद रखना, तुम दोनों की नियतों का फल किसी दुनिया में मिल जाएगा तुम लोगों को, इंशाल्लाह। अरे ये ले पकड़े, ये ले पकड़े पकड़े। आए भाई, हर वक्त की बद्दुआएं और ताने। चल जा, इसको संभाल के रख अलमारी में। हाँ, बिना ये अच्छा नहीं हुआ। तुम तो रहने दो, एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। यही काम आपा करती तो ठीक था। सूप पी लीजिए भाईजान। क्या सोच रहे हैं भाईजान? सोच रहा हूं कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन कैसे हो सकता है, कैसे उसका खून सफेद हो जाता है, और कैसे वो अपने रिश्तों को डसने लग जाता है। ऐसा सुना था लेकिन यकीन नहीं आता था। अब देखा है तो सोचने पे मजबूर हूं। मेरा जुनेद अगर पाकिस्तान में होता ना, उनके दिमाग ठीक कर देता सबके। वो तो अभी भी मुझे कहता है कि आप इन्हें अदालत में ले जाएं, केस कर दें इनके ऊपर। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को अदालत में धोखेबाज की सूरत में नहीं देखना चाहता। आप आला जर्फ है ना भाईजान, इसलिए ये सब सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई को तकलीफ देते वक्त
कुछ नहीं सोचा। क्या फिर भी उन कमजोरों को सबक सिखाना नहीं चाहेंगे? हमीदा, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया और वही सही फैसले करने वाला। लेकिन हनीफ भाई, कुछ नहीं, जब भी कोई मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाता है तो वहां लेकिन वेकिन की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक यकीन होता है कि अल्लाह ने बर वक्त और सही फैसला करना है। ये लो भाई तुम्हारी चाय। पता है शकील, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस घर की ना सारी चीजें अपनी पसंद से लगाऊं, इस घर के पर्दे बदल दूं, सारा सामान बदल दूं, चादरें बदल दूं, सब कुछ ना नया लगाऊं। रुबीना, तुम्हें वाकई ये अपना घर लगता है? हाँ, क्यों नहीं, ये घर हमारा है, मेरा, तुम्हारा और हमारे फैज का। मेरा तो यहाँ दम घुटता है, जी चाहता है यहाँ से चला जाऊं। पछतावा होता है कि मैंने तुम माँ बेटे का साथ क्यों दिया। शकील बस करो, क्या मनुष्यत पे लाके रखी हुई है तुमने, शुक्र अदा करो। बाबा मुबारक हो भाई, मेरा अमेरिका जाने का बंदोबस्त हो गया। हाय सच? अमेरिका ना हुआ, लाहौर इस्लामाबाद हो गया कि बंदोबस्त हो गया है। अरे कहाँ से होना है बंदोबस्त? अब्बा दो चार दिन में ना मैं अमेरिका जा रहा हूँ, फिर आपको यकीन आ ही जाएगा। फैज, तू जब अमेरिका पहुंच जाएगा तो हमें भी अमेरिका बुला लेगा क्या? क्यों नहीं अम्मा, और पहले तो मैं जाऊंगा ना, जाते साथ ही डॉलर ही डॉलर भेजूंगा आप लोगों को। हाय सच, मेरा बच्चा, मैं सदके मैं कुर्बान। चल तू बैठ, मैं तेरी ना मलाई वाली चाय बना के लेकर आती हूँ। बैठ बैठ बैठ। ठीक है। फैज को गए वे पूरे 15 दिन हो गए, जब पहुंचा था तभी फोन किया था, उसके बाद उसका कोई फोन ही नहीं आया। अपनी नौकरी के चक्कर में लगा होगा। हाँ, बस अल्लाह करे मेरे बेटे को कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर देखना हमारे तो ऐश होंगे, डॉलर में भेजेगा डॉलर में पैसे। फिर ना मैं इस पूरे घर को नए तरीके से सजाऊंगी, सारी चीजें बदल दूंगी। वालेकुम सलाम जी, मैं फैज का वालिद बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तो आपको नहीं पहचानता। अच्छा, ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाएं। किसका फोन था? कोई स्टेट एजेंट था, सरफराज, मुझसे मिलना चाहता है। स्टेट एजेंट? से हमसे क्या काम होगा? अरे भाई आ रहा है, सब पता चल जाएगा, आ जाइए, तशरीफ रखिए। जी, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था कि मेरा नाम सरफराज है और मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो दरअसल फैज को बैरून मुल्क जाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसके कहने पर मैंने इस मकान का सौदा करवा दिया एक पार्टी से और उससे पैसे लेकर उसको दिए, और ये हैं इस मकान के कागजात।
भाई ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा फैज ऐसा नहीं कर सकता, दिखाओ जरा। ये फैज ने नहीं किया है, झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ झूठे कागज बनवा के लेकर आ गए हो और हमें बता रहे हो? देखें बीबी, कागजात बिल्कुल असली हैं। अगर आप चाहें तो किसी वकील से चेक करा सकते हैं। नहीं शकील, मैं बता रही हूँ तुम्हें, हमारा बेटा हमें ऐसा धोखा थोड़ी दे सकता है। ये शख्स झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये शख्स। आप लोग सुबह तक ये घर खाली कर दें। सुबह तक घर खाली कर दें? और हम जाएंगे कहाँ? नहीं नहीं, हम इस घर से नहीं जाएंगे। बोलो इसको, हम इस घर से नहीं जाएंगे। आपके मुतालिक फैज ने कहा था कि अम्मा को औरतों के ओल्ड होम और अब्बा को मर्दों के ओल्ड होम भेज देना। क्या ऐसा कहा था फैज ने? जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मेरा ड्राइवर आपको ओल्ड होम छोड़ देगा, वरना आपकी मर्जी, लेकिन ये मकान आपको सुबह तक खाली करना है। शकील ये क्या होल्ड होम ही होल्ड होम कह रहा था? वैसे कहाँ भेज रहा है हमें? इन्होंने दुनियावी माल की लालच में जो खसारा कमाया है उसका इन्हें अंदाजा नहीं है। हमारे बेटे ने हमें घर से बेघर ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी जुदा कर दिया। हमने अनीप भाई को धोखा दिया, हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया। इसी को तो मकाफात कहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हमारी सगी औलाद, हमारे अपने बेटे ने हमारे साथ ऐसा किया। अनीप भाई को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनका सगा भाई उनके साथ ये सब कर रहा है, उन्हें लूट रहा है। शकील तू ना मुझे अमिताभ अप्पा के घर ले जा, मैं वहां जाके ना अमिताभ अप्पा से और अनीप भाई से गिड़गिड़ा के माफी मांग लूंगी। मैं उनके पैरों में पड़ जाऊंगी कि वो मुझे माफ कर दे। ले जा मुझे माफी। इस नियत से माफी मांगूंगी कि वो और अमिताभ अप्पा हमें माफ कर दें और अपने पास रख लें। तुम्हारी नीयत में हमेशा से खुदगर्जी और लालच रहा है। जिस इंसान की नीयत मैली होती है उसका अंजाम यही होता है जो आज हमारा हो रहा है। तुमने मुझे भी अपने रंग में रंग दिया, मैं भी तुम्हारे बहकावे में आ गया। हर इंसान अपना ही फायदा सोचता है शकील। हाँ, लेकिन किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाता है?
तो वही फायदा उसके लिए खसारा बन जाता है। ठीक कहती थी अमीदा अपा, हमारे अमाल का फल हमें इसी दुनिया में मिल जाएगा। अब हमें अपने अमाल की सजा भुगतनी है। ओल्ड होम ही हमारा मुकद्दर है। चलो बाहर गाड़ी आ गई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मर तो हम अब भी गए, अभी तो न जाने कितनी सजा भुगतनी है इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। मुझे माफ कर दो शकील, मुझे माफ कर दो। ये डिवाइस। थैंक यू। हेलो, कौन? फुफो बेब, मैं फैज। फैज? बेशरम, धोखेबाज, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? फुफो, मेरी तहे जान से बात करा दें प्लीज, मैंने उनसे माफी मांगनी है। तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, मर चुके हो तुम उनके लिए। फुफो, अल्लाह के वास्ते मेरी बात करा दें तहे जान से, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मुझे ना रात को नींद नहीं आती, मुझे माफी मांगने दे प्लीज। किस बात की माफी? किस बात की माफी मांगोगे तुम उनसे? मैंने उनके साथ धोखा किया है फुफो। क्यों? इतने दिनों बाद ख्याल क्यों आ गया तुम्हें माफी मांगने का? फुफो, मैं अमेरिका में बहुत परेशान हूँ। फुफो, फुफो कोई काम नहीं बन रहा, सब लुट गया, बर्बाद हो गया हूँ मैं, मुझे माफी दे दो प्लीज। अच्छा, तो इसीलिए ताया का ख्याल आ गया तुम्हें। फैज, तुम इसी तरह बेफैज रहोगे, बिल्कुल उसी तरह तड़पते रहोगे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप बेघर होके तड़प रहे हैं। तुम सब अपनी नियत का बोया काट रहे हो और तुम अभी और भुगतोगे, लेकिन आज के बाद यहाँ फोन करने की जरूरत मत करना, समझ गए तुम? तो मेरी बात सुन ले प्लीज। हेलो हेलो, अल्लाह मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई। बहुत बुरा किया यार, मुझे माफ।